हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के मेरा नाम है प्रांजलि शर्मा और आज मैं आप लोगों से फिश डेवलपमेंट ऑफिशर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगी लास्ट टाइम मैंने इसको डिस्कस लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था इसको बट कुछ सिली मिस्टेक्स हो चुके थे जिसकी वजह से मैंने इसको रिक्रिएट किया है वीडियो को और इसमें सारे इस आंसर्स करेक्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा चलिए शुरू करता हूँ आज के वीडियो सो फर्स्ट क्वेश्चन है इन लार्ज रिजर्वाइस विच गियर इज वाइडली यूज टू कैप्चर कार्प्स एंड कैट तो जो हमारी हमारे लार्ज रिजर्वाइस में हम कैप्चर uh, uh, जो हमारी कैट होती हैं और कार्प्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए हम कौन से गियर को यूज़ करते हैं तो आंसर आएगा हमारा गिलनेट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज़ नोन एज फैट का ऑक्सीडेशन को हम नोन एज रेंसिडिटी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज फैट एक्वाकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस इन विच स्टेट तो जो सीवेज फैट एक्वाकल्चर होता है मेनली किस स्टेट में प्रैक्टिस किया गया है तो इसका आंसर आएगा वेस्ट बंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर ऑयस्टर फाउंड इन इंडिया तो इंडिया में कौन सा फ्रेश वाटर ऑयस्टर फाउंड नहीं होता है इसका आंसर आएगा हमारा हैरी ऑप्सिस ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इको सिस्टम हर भी एक्ट एज तो एको सिस्टम में जो हर भी एक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सोर्स ऑफ प्लांट प्लान रीजन प्रोटीन इन सप्लीमेंट डाइट इज तो जो सोर्स होता है जो प्लान टोरीजम प्रोटीन होता है उसका जो सप्लीमेंट डाइट है वो क्या है आंसर आएगा हमारा ऑयल केक नेक्स्ट है ठीक है ऑयल केक आएगा फिर द टिपिकल एरोमा ऑफ स्मोक्ड फिश इज़ ड्यू टू तो जो हमारी स्मोक्ड फिश होती है उस फिश का जो टिपिकल एरोमा विशेष सुगंध किसकी वजह से होती है इसका आंसर आएगा हमारा फिनॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्प स्परमेटो जो है इज एक्टिवेटेड बाय तो जो कार्प का जो स्परमेटो जो है वो एक्टिवेटेड होता है कैसे वाटर से नेक्स्ट द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन इन इको हैचरी बाई बॉडी मास इज तो जो मेल एंड फीमेल का जो रेशियो होता है इको हैचरीज में बॉडी मास उसका आंसर क्या आएगा हमारा वन इज़ टू वन आएगा नेक्स्ट द रिकमेंडेड रेट ऑफ जोवेनाइल्स इन मोनोकल्चर ऑफ फ्रेश वाटर कल्चर इज तो जो रिकमेंडेड रेट होती है जोवेनाइल्स इन मोनोकल्चर में फ्रेश वाटर पॉन्टकल्चर की वो कितनी होती है आंसर आएगा हमारा ट्वेंटी थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड पर हैक्टेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है च वन इज अ हारमोन इसमें से हारमोन कौन सा है तो इसका आंसर आएगा हमारा थायरॉक्सिन फिर ट्रिप्सिन ब्रेक्स द मोलिक्यूल ऑफ जो ट्रिप्सिन होता है कौन से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है तो आंसर आएगा हमारा प्रोटीन फिर नेक्स्ट है वन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर स्प्रेड एरिया एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिजर्वासर क्लासीफाइड क्लासिफाइड इनटू मतलब वाटर स्प्रेड एरिया एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बेसिस पर रिजर्वायर को क्लासिफाइड किया गया आंसर आएगा हमारा थ्री ग्रुप्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द साइज ऑफ लार्ज रिजर्वायर तो जो लार्ज रिजर्वायर है उसकी साइज़ क्या है आंसर आएगा हमारा ग्रेटर दैन फाइव थाउजेंड हेक्टेयर द एवरेज नेशनल ईल्ड फ्रॉम स्मॉल रिजर्वायर इज तो जो एवरेज हमारी नेशनल ईल्ड्स होते हैं उसका जो इस जो हमारे स्मॉल रिजर्व हैं उनकी जो एवरेज नेशनल ईल्ड कितनी है आंसर आएगा हमारा फिफ्टी के जी पर हेक्टेयर नेक्स्ट है इन सब गायनी सब गायनी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मेल होता है वो चीज़ बिहाइंड द फीमेल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑटोजोमल क्रोमोजोम इन कतला तो जो कतला होती है उसके ऑटोजोमल क्रोमोजोम क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं तो इसका आंसर आएगा फोर्टी एट ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर प्रॉन इनमें से फ्रेश वाटर प्रॉन कौन सा नहीं है तो इसका आंसर है हमारा पीनियस मोनोडॉन फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला यूज और कैलकुलेटिंग द एपिक इंडेक्स एपिक इंडेक्स के लिए हम कौन से फॉर्मूला को यूज करते हैं तो इसका आंसर है एपिक इंडेक्स इज टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी म्यू पर सेंटीमीटर अपॉन मीन टैप नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सबर्ज प्लांट सबर्ज प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है आंसर आएगा इसका हाइड्रीला नेक्स्ट है फ्यूरन क्लासेज इज कॉस्ड बाय फ्यूरन क्लासेज इज बाय दिस सेल एरोना सेलमोनिसेडा नेक्स्ट विच वन एरिएट द पॉन्ड वाटर ठीक है तो इसका आंसर आएगा डक फिर है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस तो इसका आंसर आएगा हर्बी बोर्स का आएगा हमारा ग्रास का कार्नी का आएगा हमारा चिताला और ओमनी uh, का आएगा हमारा कॉमन कार्प एंड डेट्राइटी बोर्स का आएगा मृगल तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा फोर्थ नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्वर कार्प इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ सिल्वर कार्प को हम किसके कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं एल्गल ब्लूम्स आंसर इसका एल्गल ब्लूम्स फिर फिशेस तो जो स्टेराइल फिश होती है वो कैसी होती है ट्रिपलॉइड होती है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीड बाइंडिंग एजेंट यहाँ पे फीड बाइंडिंग एजेंट कौन सा नहीं है आंसर हमारा राइस ब्रेन सॉरी इसका आंसर आएगा हमारा राइस ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ फिश मॉर्टेलिटी मतलब इसमें से किसमें से डायरेक्ट फिश मॉर्टेलिटी नहीं होती आंसर ए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जैंती रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैंती रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है of, हमारा हरवी बोर हरवी बोर फिशेज हैव जो हरबी व फिश होती है उसमें ए, क्या होता है लॉन्ग इंटेस्टाइन ठीक है फिर क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर फॉर फिश स्पम इज तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर होता है फिश स्पम का उस कितना होता है माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है विच वन ऑफ दैम इज नॉट अ इनडायरेक्ट मैथड फॉर पॉपुलेशन पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए कौन सी इनडायरेक्ट मैथड नहीं है तो इसका आंसर आएगा एक्चुअल काउंट मैथड नेक्स्ट है कल्चर ऑफ टू और मोर फिश स्पीसीज इज नोन एज ठीक है तो जो कल्चर ऑफ टू और मोर फिशीज होती है उसको हम एज अ पॉलीकल्चर बोलते हैं जैंती रोहू वॉज डेवलप्ड इन जैंती रोहू कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी आंसर आएगा हमारा सीफ़ा फ्राई ऑफ कत्ला फीड्स ऑन कतला जो हमारी फ्राई कतला होती है वो क्या फ़ीड करती है आंसर आएगा हमारा जो प्लैंग फिर डाइज इज़ मेनली यूज फॉर मार्किंग इन जेनेटिक स्टडीज स्टडीज़ तो मेनली हम जेनेटिक स्टडीज़ में मार्किंग के लिए डाइज को यूज़ करते हैं तो किस चीज को मार्किंग के लिए आंसर आएगा हमारा एग्स एंड फ्राई नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिगर मॉर्टिस फिश लॉसेस रिगर मोर्टिस में फिश क्या लॉस करती है फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑयली फिश फैट कंटेंट इज मोर देन एट परसेंट गोनेटो आर प्रोड्यूस बाय जो गोनेटो होता है वो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज इन ऑर्गेनिक एकोकल्चर सिस्टम तो जो हमारा ऑर्गेनिक एकोकल्चर सिस्टम के लिए जो मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं तो उसका आंसर आएगा हमारा मैन्योर फिर गोनोकोरिज्म इज़ डिफाइंड एज इंडिविजुअल तो गोनोकोरिज़म जो होता है निम्न उसको किस टाइप से वो इसकी डेफिनेशन देंगे हम कि विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल सेक्सेस ठीक है ये थर्ड नंबर उसका आंसर आएगा फिर है को जी साइकोनेटोसोमेटिक इंडेक्स ऑफ फीमेल लेबियो रोइता इज इस। तो इसका आंसर आएगा सिक्सटीन पॉइंट फोर फोर जीरो है ना? फिर है आफ्टर डेथ ऑफ फिश ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इन मतलब आफ्टर डेथ जो फिश का जो ग्लाइकोजन होता है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है आंसर हमारा लैक्टिक एसिड पे फिर है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट तो किसिंग गुरामी आएगा हमारा हेलोस्ट्रोमा स्ट्रोमा गप्पी आएगी हमारी लिबिस्टिस रेटिपलाटस एंजल फिश आएगी हमारी टेरोफाइलम्स स्पीसीज ब्लैक मॉली आएगी मोलिनशिया स्पीसीज ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट से विथ लिस्ट सेकेंड एंड करेक्ट आंसर सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट तो इसका आंसर आएगा हमारा ब्लू एलगी साइनोफाइसी डाइटम्स बेसीलियरफाइसी एंड ग्रीन एलगी क्लोरोफाइसी वॉलवॉक्स यूगलिना ओके तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा सेकेंड ठीक है फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन फिकंडिटी ऑफ फ़िश इज नॉट रिलेटेड टू जो फिश की फिकंडिटी होती है वो किससे रिलेटेड नहीं होती है आंसर हमारा लीवर साइज से फिर है हरबी साइड डिकोटॉक्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ तो जो हरबी वो डिकोटॉक्स होता है वो किसके मतलब कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव होता है तो इसका आंसर आएगा हमारा हाइड्रिल फिर इन इंडिया केज कल्चर इन मराइन वाटर्स इज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ इंडिया में जो केज कल्चर मराइन वाटर उसको इनिशिएट किया था किस ईयर पे इनिशिएट किया गया था आंसर है हमारा टू थाउजेंड सेवन पे विच मैथड इज़ यूज बाई द एक्सटेंशन वर्कर्स टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आंसर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स मतलब कि मेले का आयोजन करते हैं फिर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज टू प्रिजर्व जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है उसको मतलब किसको प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं आंसर हमारा इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टंटेड फिंगर लिंक इन ग्रो आउट पॉन्ट्स तो इसका आंसर आएगा हमारा लो सर्वाइवल फिर विच वन ऑफ दीज इंडियन मेजर का सरफेस फीडर सरफेस फीडर कौन सी हमारी कतला कतला स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ कार्प फिंगर लिंग्स इन सुपर इंटेंसिव फिश कल्चर इज आंसर आएगा फिफ्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर हेक्टेयर टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज इन एक्वेरियम तो एक्वेरियम्स के लिए हम किस टाइप्स के फिल्ट्रेशन सिस्टम्स को यूज़ करेंगे आंसर है हमारा थ्री टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम्स को हम यूज करते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेरियम फिश इज नोन एज अ ड्रैगन फिश तो एक्वेरियम फिश में ड्रैगन फिश के नाम से कौन सी फिश जानी जाती है आंसर आएगा हमारा एरोवेना ये थर्ड नंबर का आंसर आएगा फिर द नेस्ट बिल्डर द नेस्ट बिल्डर एक्वेरियम फिश इज तो मतलब बुलबुलों का जाल बनाने वाली एक्वेरियम की जो फिश है उसको हम क्या बोलते हैं गुरामी फिर सेक्स रिवर्सल इज वेरी कॉमन इन आ, सेक्स रिवर्सल आ, वेरी कॉमन किस पे है टेल पे फिर परचेज एंड सेल ऑफ फिशेस लाइक कतला महाशि रोहू एंड मृगल आई प्रोहिबिटेड अंडर वाटर सॉरी अंडर वेट ऑफ फॉलोइंग एज पर दाजस्थान फिशरीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट तो इसका अंतर फाइव हंड्रेड ग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ बियर एक्वेरियम फिश आंसर लाइफ बेरर एक्वेरियम फिश कौन सी हैं अपनी सॉट टेल लेंटिक हैबिटाट परटेंस टू जो लेंटिकट पर आएगा हमारा लेक्स फिर साइंटिफिक नेम ऑफ गुरामी डॉर्फ गुरामी का साइंटिफिक नेम क्या है ट्राइकोजेस्टर लेलीयस ठीक है फिर एसिडिक सॉइल्स आर करेक्टेड बाई जो एसिडिक सॉइल्स होती है कनेक्टेड कैसे होगी लाइम से फिर है नंबर ऑफ़ जोयल स्टेजेस माइक्रोब्रेंकम रोजनबर्ग माइक्रोब्रेंकम रोजन बर्गी की जोइल स्टेज कितनी होती है आंसर है हमारा इलेवन ठीक इन्फो इन्फो है इन्फोसोरिया इन्फोसोरिया का एक प्रोटोजुवन है ठीक है, नेक्स्ट फॉर द इराडिकेशन ऑफ वीड फिशेस जैगरी इज यूज वन परसेंट ठीक है फिर द टाइप्स ऑफ टीथ इन टाइप्स द टाइप्स ऑफ टीथ इन फिशेस विच फाउंड अदर देन जॉज आर मतलब टीथ जो फिशेस में किस टाइप्स के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं जॉस के अलावा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फोर टाइप्स नेक्स्ट है विच एक्वेटिक एनिमल सॉरी विच एक्वेटिक वीड इज़ रिच इन कैरोटिनस एंड जेंथोफिल्स तो किस टाइप्स के एक्वेटिक वीड जो होते हैं वो कैरोटिन एंड जेंथोफिल रिच होते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारा हाइड्रिला। द डक स्टार्ट एग ग्लेंग एट द एज ऑफ सिक्स मंथ्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुपर मेल इज सुपर मेल कौन सा है हमारा एक्स टाई ठीक है फिर ऑयल ऑफ इमल्सन टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई ऑयल ऑफ इमल्सन टेक्निक कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी आंसर है सिफरी में ठीक है सिफरी में हुई थी उसके बाद है वेट रिलेशनशिप वॉज गिवेन बाई जो लेंथ वेट रिलेशनशिप होती है उसको किसने दिया था लीसर ने ठीक है ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फिर द स्टडी ऑफ मार्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स इज नोन एज मार्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम आंसर आएगा इसका मेजरमेंट ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडी द मास मोर्टेलिटी ऑफ फिश ऑकॉर ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फिशिंग बोट्स इन राजस्थान इज डन बाय आंसर है हमारा फिशरीज डेवलप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू राजस्थान फिशरीज एक्ट क्लोज सीजन फॉर फिशरीज एक्टिविटीज इज आंसर सिक्सटींथ जून टू थर्टी फर्स्ट मार्च सॉरी सिक्सटींथ जून टू थर्टी फर्स्ट अगस्त नेक्स्ट फिश प्रोडक्ट इन द सेम ईयर इज नॉन एज मतलब एक ही वर्ष में उसमें जो उत्पादित मछलियाँ होती हैं प्रोड्यूस फिशेस होती उसको हम क्या बोलते हैं आंसर आएगा ईयर क्लास फिर फॉर्मूला ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेचुरल मोर्टिलिटी ऑफ फिश फॉर्स गिवेन इज रिकर

इ आंसर है हमारा इसका सेक्शन सिक्स नेक्स्ट है इन विच फिश बॉडी सब सिलेंड्रिकल अप टू पेल्विक कॉम्प्रेस्ट बिहाइंड हेड रिप्रेस्ड माउथ स्मॉल टर्मिनल डॉसल फिन शॉर्ट इंसर्टेड एवप टिप ऑफ पैक्टोरल फिन पैक्टोरल विद अ स्ट्रॉक्ट स्ट्रॉ स्ट्रॉग स्पाइन एंड एनल फिन लॉन्ग बेस्ड इज आंसर आएगा हिट्रोपनोस्टिस फोशल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन है तो आंसर आर्सिटेनिक एसिड ठीक है नेक्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रॉड फिंड मॉलीज साइंटिफिक नेम क्या है ब्रॉड फिंड मॉली का मॉलीनेशिया लेटीपिना ठीक है द रेशियो ऑफ शोप ऑइलिमल्स एंड यूज फॉर द इराडिकेशन ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स इज एटीन इज टू फिफ्टी सिक्स फो ड्रॉपसी इन फिशेज इज़ कॉज्ड बाई दी ड्रॉपसी कौन से फिश को कॉज करती है आंसर आएगा हमारा बैक्टीरिया द पिट्यूट्रिक लाइट्स आर जनरली स्टोर्ड इन पिट्यूट्रिकाइंट्स को जनरली कहाँ पर स्टोर किया जाता Answer है आंसर है एल्कोहल आर्गुलस इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्गुलस कामनली कॉल्ड एज फिर स्लाइस भी बोलते हैं फिर ए टिपिकल एक्टोपैरासाइटिस टिपिकल एक्टोपैरासाइट्स कौन है लीच फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ केज इन रिजर्वर्स डेप्थ ऑफ वाटर शुड भी एटलीस्ट सिक्स मीटर इस्पायलिना स्पीसीज इज इस्पायरोलिना इस्पीसीज क्या है आंसर है साइनोबैक्टीरिया फिनराड डिसीज इज कॉज बाई फिन बाय बैक्टीरिया ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर हैचिंग आई एम सी इज़ तो जो हमारी हैचिंग आई एम सी का एग होता तो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कितनी होती है ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी डिग्री सेल्सियस इन विच यर फ्रेश वाटर परल वॉज प्रोड्यूस्ड बाई सी फे आंसर नाइनटीन एटी सेवन इन लैंड इन इंग्लैंड कीज कल्चर फ्राइज फिट एट फीड एट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ बॉडी वेट वंस अ डे सॉरी बॉडी वेट ट्विस्स अ डे ठीक है तो इसका आंसर ये आएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टॉपेज इसमें किस टाइप्स ऑफ मतलब का स्टॉबेज नहीं होना चाहिए आंसर है हमारा वॉशिंग ब्रीडिंग सीजन ऑफ कतला 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 का ब्रीडिंग सीजन है जून टू अगस्त डिजॉल्व ऑक्सीजन द हाइस्ट लेवल इन पॉन्ड एट फिफ्टीन आवर्स लेजर वाटर वोटामिन रिक्सा इज एन आंसर इज का एक्टिक इंसेक्ट फिर द नंबर ऑफ बार्बल्स इन ओमपोक पापदा ठीक है तो फोर सॉरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश डीप बॉडी हेड इन नॉर्मल्स माउथ वाइड एंड अपटर्न स्केल लार्ज पैक्टोरल फिन लार्ज एंड कॉर्डल फिन फॉग्ड आंसर इज अ कतला द मैक्म फिश प्रोडक्शन इज ऑप्टेन फ्रॉम जो मैक्ममम फिश प्रोडक्शन उसको हम ऑप्टेन करते हैं द इंटेंसिव कल्चर सो आई होप वो गाइज वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस पर सारे करेक्ट आंसर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में थैंक यू